तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। कोरोना के बीच छठ पूजा को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर छठ मनाने पर रोक लगाई गई है। इस पर मनोज तिवारी का कहना है कि पूरी तरह से पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। जिस तरह से बाकी त्योहार मनाने के लिए थोड़ी बहुत छूट मिली थी, वैसे ही छठ पूजा को लेकर भी छूट दी जानी चाहिए। छठ पूजा को लेकर यमुना नदी पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। किसी तरह का सरकारी इंतजाम भी नहीं है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर बीजेपी के सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी बेहद हमलावर हो गए हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार को नमक हराम की श्रेणी में रख दिया है। शाहनवाज हुसैन ने भी कहा, छठ पूजा में पाबंदी डालने वालों को पाप लगेगा। उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार जब दिवाली सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर मना सकती है, तो छठ पूजा भी मना सकते हैं। पूर्वांचल के लिए छठ पूजा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इसके जात और धर्म नहीं है। छठ मनाने दीजिए, नहीं तो बहुत पाप लगेगा दिल्ली सरकार को, ऐसा शाहनवाज हुसैन का कहना है।